नमस्कार साथियों, आप सभी का चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बिहार के बड़े नेता के रूप में पहचान रखने वाले राम विलास पासवान, उनके बेटे चिराग पासवान को भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी मिली है। और चिराग पासवान के साथ में उनके पार्टी के जो कुल मिलाकर ये 5 सांसद हैं, चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण जो विभाग मिला है, इस विभाग में भारतीय अर्थव्यवस्था के हिसाब से काफ़ी कुछ संभावनाएं हैं। और एक युवा को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और आप सभी को बताते चलें कि जब उनके पिता मंत्री थे, उनके पास में भी यही विभाग था, तो कहीं ना कहीं अब एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिली है। और चिराग पासवान ने अपना कार्यभार ग्रहण किया है। अभी एक दिन पहले ही उनका जो डिपार्टमेंट है उसमें वो पहुँचे और पूरे विधि विधान से उन्होंने अपना जो कार्यभार है वो ग्रहण किया है। और उसके बाद में जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है उसकी मीटिंग भी उन्होंने जो वहाँ पर मौजूद लोग थे उनके साथ करी है। और क्या क्या इसके अंदर काम होने हैं, क्या काम पेंडिंग है और क्या आगे योजनाएं लानी है, उन सब पर उन्होंने उनसे बातचीत करी है। और एक युवा चेहरा था, कहीं ना कहीं राजनीति में एक अपने पैर जो जमा रहा है रामविलास पासवान, एक बड़े राम के रूप में जाने जाते थे, और अब उनके बेटे को एक बड़ी जिम्मेदारी जो भारत की मोदी सरकार है उसमें मिली है। और कहीं ना कहीं एक युवा मंत्रालय जो खेल मंत्रालय भी उन्हें दिया गया है। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें।